हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड एनवायरनमेंट का जो है आपका पेपर है। और मोस्टली जितने भी ऐसे पेपर जिसमें भी ये सब्जेक्ट है, ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड एनवायरनमेंट का किस टाइप का एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, और चाहे DU हो, सोल हो, NCVAP हो या अदर कोई भी यूनिवर्सिटी, कैसे क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं और सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा। पहले आप पैटर्न समझ लीजिए। पैटर्न जो रहेगा वो 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। टोटल 3 घंटे, मतलब 3.5 घंटे आपको दिए जाएंगे। 3 घंटे लिखा रहेगा पेपर पे, ठीक है। और 2 पार्टों में पेपर डिवाइड रहता है। टोटल 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे, यहाँ तो 5 है बट अब इस बार 4 ही आपको करने होंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे क्या रहने वाला है। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं। पहला पार्ट है सामाजिक असमानता क्या है, व्हाट इज सोशल इक्वलिटी। चर्चा कीजिए कि भारत में जातीय सामाजिक असमानता का आधार है। दूसरा है एग्जामिन द क्लास एज द बेसिस फॉर सोशल सामाजिक स्तरीयकरण के आधार के रूप में वर्ग का परीक्षण कीजिए। आपको जैसे आपको डिफाइन करनी है क्लासेस, समझ रहे हो? क्लासेस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपको वर्ग डिफाइन करने, कितने वर्ग होते हैं। तीसरा है वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए, भारत में आदिवासी और जनजातियों पर इसका प्रभाव बताने हैं, ठीक है। वैश्वीकरण की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब है मॉडर्न युग। चौथा क्वेश्चन है वैश्वीकरण ने भारत में महिलाओं के जीवन को प्रभावित किया है, अपने शब्दों में विवेचन कीजिए। दूसरे पार्ट में है मानव अधिकारों की अवधारणा का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए, मानव अधिकारों की बदलती हुई प्रकृति का विवेचन कीजिए, यानी ह्यूमन राइट्स क्या है जो आपको बताने। ह्यूमन राइट्स वो अधिकार होते हैं जो हमें जन्म से ही मिलते हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के महत्व का विवेचन कीजिए। सातवां है भारतीय संविधान मानव अधिकारों का समर्थन अपने विभिन्न उपबंधों द्वारा करता है, विवेचन कीजिए। आठवां है उपेक्षित वर्गों की अवधारणा क्या है, भारत में अल्पसंख्यकों के मानव अधिकारों की स्थिति में टिप्पणी कीजिए। नौवां है उत्तर स्वाधीन भारत में मानव अधिकार आंदोलन के विकास क्रम का संक्षिप्त विवेचन कीजिए, इसके समक्ष कौन से प्रमुख मुद्दे हैं। दसवां है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी करनी है लिंग तथा सामाजिक असमानता, वैश्वीकरण के किसानों को प्रभाव और मानव अधिकार तथा नागरिक अधिकार, उपभोक्ता अधिकार। इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इनकी आप तैयारी कर लीजिए, आपको कई क्वेश्चन टकरा जाएंगे और काफ़ी इजी पेपर है, आप बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।